अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर डायनेमिक्स चैप्टर 3 है न्यूमेरिकल्स 3.1 टू 3.5 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 3.1, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। तो हमें मास मालूम करना है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है 1 न्यूटन। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं कि फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास मालूम करना है जो केजी में होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ जो है 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एम इज इक्वल टू 10 kg। तो हमारे पास मास आ गया 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3.2, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब वेट की बात की है, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था वहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दी हुई। तो वेट इज इक्वल टू मास ड्यू टू ग्रेविटी, और जी इटैलिक लिखेंगे, स्ट्रेट जी नहीं लिखते, वो ग्राम के लिए होता है। तो वेट हमारे पास है डेटा में 147 न्यूटन, और ग्रेविटी की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास हमने निकालना है। तो फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू W ओवर जी। W हमारे पास है 147, और ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। इसको बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि घरों में पंखे होते हैं, तो पंखों का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम कहते हैं वेट। और जो चीज़ ऊपर की तरफ होती है वो टेंशन होती है। अब वो कहता है हाउ मच फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोर्स मालूम करनी है टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास, मास हमारे पास 10 kg है। अब लाजमी सी बात है कि इसको प्रिवेंट करना हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम काम करेंगे, यानी कि ये 10 kg को हंग करना हो, लटकाना हो, और वो गिरे भी ना, जहाँ पर है वहीं पे मौजूद रहे। तो ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि फोर्स है तो हम लिखते हैं W इज इक्वल टू F, यानी कि ये है हमारे पास एम जी और ये है हमारे पास एम ए। तो मास दोनों का सेम है, ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन, जो मूवमेंट हम करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी स्लो हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर जो है, जो पुल है उसका, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो हम F इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं A इज इक्वल टू जी और जी इज इक्वल टू A, तो एम जी। तो
तो मास हमारा 10 है, एक्सलेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो फोर्स हमें इतनी चाहिए कि 10 केजी मास जो है वो गिरने से बचा रहे, तो फोर्स हमें 100 न्यूटन चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3.4, फाइंड द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी। तो फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, मास हमारे पास है 50 केजी। जो चीज़ मालूम करनी है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। फॉर्मूला सेकेंड लॉ न्यूटन का जो है एफ इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम 100 अपॉन 50, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3.5, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सवाल को दो तरीकों से हम करेंगे। एक तरीका वो है कि हम इस वेट को, जो नतीजतन मास ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसमें हम मास निकाल सकते हैं थ्रू W अपॉन G के ज़रिए। तो यहाँ हमारे पास मास आ सकता है, तो हम डेटा में लिखते हैं वेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, जिसके नतीजे में मास हमारे पास आ जाएगा 2 kg, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी बॉक्स जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, यानी कि अगर आप बॉल ऊपर फेंकें तो थ्रू ग्रेविटी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होती है। ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी की वैल्यू जो है हमारे पास, वो हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स, तो फोर्स कितनी हमें चाहिए जो हम इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव कर सकें विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि अगर हम ये कहें फोर्स, तो हमारे पास एम ए और फोर्स निकालने के लिए मास हमारे पास 2 kg है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 4 न्यूटन। और नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो हमारे पास आएगी जो वेट है प्लस ये वाली फोर्स जो हमने अप्लाई की है। तो वेट हमारे पास 20 है और फोर्स जो है वो 4 है, और नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी 24 न्यूटन। एक और तरीका है, उसमें क्या है, वेट हमारे पास वही 20 न्यूटन है, ग्रेविटी की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास हमारे पास है 2 kg। अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, F इज इक्वल टू M A प्लस G, यानी कि जो ग्रेविटी या मास इंटू एक्सेलरेशन, उसमें ये दो चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे मास 2, एक्सेलरेशन 2 प्लस 10, और 2 इंटू 12 इज इक्वल टू फोर्स जो है वो 24 न्यूटन।